कल सागर जिले में शहर में ही 3 लोग नाइजीरिया से वापस आने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही सारा सिस्टम एक्टिवेट हुआ और तुरंत लोगों से संपर्क करके उनको क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन करने के बाद उनका सैंपल भी लिया गया है, अभी उनमें आरटीपीसीआर सैंपल उनका लिया गया है, अभी उनमें कोरोना के किसी प्रकार के लक्षण नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद उनकी स्थिति मालूम होगी। यदि रिपोर्ट में नेगेटिव आती है 7 दिन के बाद पुनः उनका सैंपल लिया जाएगा, और यदि ऐसी स्थिति आती है कि अगर कोई कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग भी उसकी करवाई जाएगी। बाकी जो हमारे तीनों लोग थे, तीनों ने सहयोग किया है। मेरा अनुरोध समस्त सागर की जनता से ये है कि आपके पास यदि कोई भी कहीं विदेश से आ रहे हैं, विशेष रूप से ऐसे देश जिनमें कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है, यदि कोई वहाँ से आता है, किसी भी अन्य किसी भी देश से आता है, तो कृपया जिला प्रशासन को सूचित जरूर करें, और जिससे कि उनका समय रहते सैंपल करवाया जा सके और उनकी उनको क्वारंटीन किया जा सके। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है, मुझे उम्मीद है कि आप सब सहयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह जो टीकाकरण का दूसरा डोज जो हमको लगाना है, कृपया जो भी बचे हुए हैं दूसरे डोज जरूर लगवाएं, और जिनका पहला डोज बचा हुआ है तो जिनका जो पहला डोज जिन्होंने अब तक नहीं लगवा पाए हैं किसी कारणवश, वो पहला डोज भी जरूर लगाएं।